हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टॉप गोल्ड लोन्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये किसे कहा और क्यों ये निर्देश दिए, तो चलिए इस वीडियो में हम इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्टॉप न्यू गोल्ड लोन्स आरबीआई डायरेक्शन ये किसको है। फ्रेंड्स, बाय यूजिंग इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 45L सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी ऑफ आरबीआई एक्ट 4 फरवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IIFL फाइनेंस लिमिटेड उसे कहा है कि वो आगे से विद इमीडिएट इफेक्ट गोल्ड लोन सैंक्शन करना और उनको डिसबर्स करना वो तुरंत बंद कर दे। तो ये दिशा निर्देश किसको दिए? IIFL फाइनेंस लिमिटेड, जो गोल्ड लोन काफ़ी सैंक्शन करती है। तो ये निर्देश उन्होंने किस क्यों दिए? Company can however continue to service its existing gold loan portfolio through usual collection and recovery process. Company जिन loans को already gold loan को दे चुकी है उनकी servicing company continue कर सकती है, collection के लिए भी और उस loan portfolio की recovery के लिए भी। तो ये निर्देश Reserve Bank of India ने क्यों दिए और क्या ये निर्देश आपके बैंक के ऊपर या आपकी वर्किंग के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलिए, ये निर्देश क्यों दिए? सो वाई दिस डिसीजन? एन इंस्पेक्शन वॉज कैरीड आउट बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट IIFL एज ऑन 31 मार्च 2023। सो 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट की जो फाइनेंशियल पोजीशन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, तो तब ये ऑब्जर्वेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिस में आए। सो मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न कौन कौन से थे जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नजर आए? तो ऐसी कौन सी चिंताएं थीं जो इम्पॉर्टेंट थीं, डैमेजिंग थीं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IIFL फाइनेंस लिमिटेड के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में ऑब्जर्व की? सीरियस deviations इन assaying एंड certifying purity एंड net weight एट द टाइम ऑफ sanction एंड एट द टाइम ऑफ auction upon default। तो सीरियस deviations पाई गई, जो गोल्ड की purity की सर्टिफिकेशन थी या गोल्ड का जो net weight था जब लोन sanction किए गए थे तब और जब auction किया गया on default तब, तो दोनों के बीच में सीरियस deviations पाई गई। लोन टू वैल्यू रेशियो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 75% मैक्सिमम परमिट करता है उसमें ब्रीचेस पाए गए, उसका उल्लंघन किया गया। डिसबर्सल एंड कलेक्शन ऑफ लोन अमाउंट इन कैश इन एक्सेस ऑफ स्टैचुटरी लिमिट, तो स्टैचुटरी लिमिट के बियॉन्ड जो डिसबर्समेंट है या कलेक्शन है वो कैश के थ्रू किया गया। नॉन अडहेरेंस टू स्टैंडर्ड ऑक्शन प्रोसेस, सो गोल्ड ऑक्शन करने का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड है उसको फॉलो नहीं किया गया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन चार्जेस बीइंग लेविड टू कस्टमर अकाउंट्स, कस्टमर अकाउंट से जो चार्जेस रिकवर किए गए उनमें ट्रांसपेरेंसी की कमी पाई गई। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सुपरवाइजरी कंसर्न्स नोट किए गए। दीज प्रैक्टिसेज आर रेगुलेटरी वायलेशंस एंड सिग्निफिकेंटली एंड एडवर्सली इम्पैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक ये प्रैक्टिसेस रेगुलेटरी वायलेशंस तो हैं ही और वो सिग्निफिकेंटली एंड एडवर्सली जो कस्टमर का हित है उसको भी अफेक्ट करते हैं। आर बी एंगेज्ड विद द मैनेजमेंट एंड स्टैचुटरी ऑडिटर्स ऑन दीज डेफिशिएंसीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बातचीत की इसकी मैनेजमेंट के साथ भी और उसकी स्टैचुटरी ऑडिटर्स के साथ भी, बट नो मीनिंगफुल करेक्टिव एक्शन वॉज एविडेंस्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं लगा कि किसी प्रकार का कोई मीनिंगफुल करेक्टिव एक्शन कंपनी ने लिया हो। दिस नेसेसिटेटेड इम्पोजिशन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस विद इमीडिएट इफेक्ट, इसी के चलते ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन आगे ना दिए जाएं फ्रेश, तो ये इम्पोजिशन उसके ऊपर लगाई गई ताकि जो कस्टमर का ओवरऑल इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड किया जा सके। These restrictions will be reviewed upon completion of special audit. ये जो instruction Reserve Bank of India ने दी कि gold loan को stop कर दीजिए, तो इसको RBI review करेगा, लेकिन उसके लिए
एक स्पेशल ऑडिट ऑर्डर किया जाएगा। जब तक वो स्पेशल ऑडिट कंप्लीट नहीं होता और उस स्पेशल ऑडिट की जो फाइंडिंग है उनको रेक्टिफाई नहीं किया जाता और आरबी की जो इंस्पेक्शन की फाइंडिंग है उनको रेक्टिफाई नहीं किया जाता, वो भी आरबी की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, तो तब तक ये रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू करेंगी। अब इसमें हमारे लिए भी लेसन्स है। सो जो जो बैंक गोल्ड लोन दे रहे हैं अगर वो भी इस प्रकार की गलतियां करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन कम आउट विद दीज टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। चलिए फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसको लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक करना मीन्स YouTube इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। तो आप हेल्प कर रहे होंगे दूसरे स्टूडेंट्स की जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस प्रकार के रेगुलर वीडियोस हम पोस्ट करते हैं तो आप किसी वीडियो को मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लेना। तो चलें, थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।